मुझे ही ढूंढ रही थी। हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हैं। मैं अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। तो आज हम इस कड़ी धूप में निकले हैं कुछ एक्सप्लोर करने। तो आज हमें जाना है हरी पैलेस। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम है। तो आज हम करेंगे एक्सप्लोर हरी पैलेस। अरे यार, अरे शीशा, शीशा है यहाँ पे, इसके पैर में आ जाएगा तो गलत बात है भाई। जम्मू में कुछ ही जगह देखने के लिए है, ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं है। लास्ट जगह आई थी। ये हमारा कश्मीर नहीं है कि हर गांव, हर जगह, हर गली देखने के लायक है। जम्मू में कुछ जगह है और यहाँ पे गर्मी भी बड़ी है, दिन में बाहर निकलने का मज़ा ही नहीं है यहाँ पे। और मन ही नहीं करता कि दिन में कहीं जाए, इतनी धूप होती है यहाँ पे। और हम पहुँच गए हरी पैलेस के गेट के बाहर। तो यहाँ पर होटल भी है अंदर, तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड लगा है होटल हरी निवास पैलेस। तो ये मेन गेट है, गेट से एंट्री जाएगी इधर से। तो चलो फिर। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अमर महल। ये देखो मेरे पीछे है। तो आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स इसके, ट्राई करते हैं, तो बने रहिए। तो अभी हम जाएंगे अंदर म्यूज़ियम की तरफ। तो चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, ये अमर सिंह है। अच्छा, ये अच्छा, ये महारानी जी है, उनकी बीबी। अच्छा अच्छा, ये जो भी है पर जी जी, इनका बर्थ हुआ था फ्रांस में 9 मार्च 1931। जम्मू कश्मीर के सबसे पहले सदर रियासत रहे हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में इतना आगे दिल्ली चले गए। तो ये इनकी लाइफ हिस्ट्री दिखाई दी है। महाराणी जी नेपाल से थी। जी जी। तो इनकी, ये इनके बच्चे हैं, ये राजकुमारी जी हैं। अच्छा, बेटी। अच्छा, ये इनकी बड़े बेटे ये हैं। बड़े बेटा बहू, ये भी है ना। हाँ, ये छोटे बेटा बहू। अच्छा, ये छोटा बेटा उनका। अमर म्यूजियम, तो ये उनके बेटे दो है ना, ये दोनों जो पीछे है ना, इनके दोनों बेटे हैं।
अच्छा तो ये कुछ मेडल है और ये यहाँ पे है व्यू पॉइंट। यहाँ पे ये व्यू पॉइंट यहाँ का। चलो फिर व्यू पॉइंट देखते हैं। यह है महल का पीछे वाला हिस्सा, तो वो फ्रंट था। तो यहाँ पे एक सोने की चेयर भी है, वो देखने की कोशिश करेंगे, पता नहीं वो किस तरफ है। तो चलो फिर देखते हैं। चेयर तो ये है वो चेयर, ये सोने की है पूरी, करीबन 100 किलो सोने की है, 100 के जी का वेट है। राजा की चेयर है ये। आखा ध्यान दे उसने बका रहे की ये एक मिल जाती क्या मज़ा आ जाता है। जोक से पार्ट, अंदर शीशा है, उसके बाद ये दरवाज़ा है लोहे का, तो लोहे के दरवाजे के अंदर है ये, वो देखो राजा की चेयर है 100 के जी 24 कैरेट गोल्ड की। तो ये था महल, तो ये देखो ये राजा राजाओं की कहानियाँ। जम्मू में सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगी ये महल, अमर पैलेस, क्योंकि यूनिक चीज़ है, देखने को बहुत कुछ मिलता है, हिस्ट्री देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, क्या था कौन सा राजा था यहाँ पे, सोने की कुर्सी मिलती है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा देख नहीं पाए। बहुत ही शांति है यहाँ पे, पार्क है, फ़ोटो अच्छे उठते हैं यहाँ पे, और क्या चाहिए, खूबसूरत महल है और क्या बोले, ठीक है यहाँ पे व्यू बढ़िया है यार, व्यू तो क्या कहना यार, हेरिटेज है पूरा। और महल में अंदर जाने के लिए आपको टिकट नहीं देनी पड़ती है, फिर आप म्यूजियम में जब जाओगे तो टिकट है। अगर कैमरा यूज़ करें DSLR खतरा अलग टिकट नहीं है। अगर आपको कैमरा यूज़ करना है यहाँ पे म्यूजियम के अंदर, तो फिर आपके लिए उसके लिए टिकट निकालनी पड़ती है आपको 30 रुपये, पता नहीं कितने की है, हमने पूछा नहीं। तो अगर आप बाहर फोटो खींचना चाहते हो तो बाहर कोई टिकट नहीं है उसके लिए। तो अब हम करते हैं काम, हम रिवर साइड से इस वक्त हैं। हाँ तो ये तभी रिवर है, पीछे की साइड है अभी। ये यहाँ पे व्यू है, ले दो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। चल भाई चलते हैं। ये यहाँ पर होटल है, तो महल पूरा देख लिया। अब हम सोच रहे थे कि अब घर चले, तो जाते जाते अब भाई बताएगा महल की हिस्ट्री। तो भाई महल है पीछे, तो आप बता दो हिस्ट्री।
हिस्ट्री ये है इसकी, ये जो अमर सिंह है अमर सिंह के लिए बनवाया था। अच्छा, 19th century में बनाया था। अच्छा, तो वो उसके जो बेटे हैं वो खुद नहीं रहे यहाँ पे फिर। अच्छा। उसके बेटे जो अमर सिंह हैं वही रहे यहाँ पे अपने मरने तक यहाँ पे। 19th century में बनवाया था इसको। अभी इसको ये जो महल है इसको अभी म्यूजियम बनाया है। हाँ, म्यूजियम बनाया। हाँ, अभी ये म्यूजियम कुछ ही साल हो गए इसको। हाँ, ये म्यूजियम बन गया है, म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाई है इसमें। तो ये थी हिस्ट्री, ज़्यादा तो हमें डीप पता नहीं है। तो बाकी स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि उसके बेटे दो हैं, उनकी फ़ोटो भी है, बहू उनकी, तो वो अंकल भी बता रहे थे इसकी हिस्ट्री। तो बस वो तो बाद में आएंगे, हम कभी और चक्कर करेंगे तो पूरी तरह से जान लेंगे इस महल को। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं घर। तो चलो फिर मिलते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है यार। तो अब चले घर हम। तो वो भाई मेरा फोटो खींच रहा है, ये देखो भाई। ले भाई ऐसे ही ले ले फोटो, एक ले 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 ऐसे ही ऐसे। अच्छा रहा हूँ, अच्छा चलेगा, ले ली, चल भाई मैं उठा लूँ। चलो भाई की पहले फोटो उठाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। भूल तो नहीं गया वहाँ पे? नहीं भाई। चल फिर, कुछ यादें छोड़ आए। वाह क्या हाल है। तो भाई यहाँ पे व्लॉगिंग आगे नहीं कर सकते क्योंकि आगे बैन है कैमरा उठाना, पता नहीं क्यों। तो इसी के साथ चलते हैं घर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब खैर। अब लगी है भूख, अब कुछ खाएंगे। बोला अंकल बना दो फालूदा, दो फालूदा बना। लगी है और गर्मी भी लगी है। अब हमने खाया है फालूदा, यहाँ का फेमस, यहाँ पे हम रहते हैं। कैसा है भाई? तो पेट पूजा करने के बाद अब हम चले अपने घर।